निर्माणता। जिवें छत्ती प्रकार दे भोजन किसे कम दे नहीं हुंदे जे उन्हां विच लूण दी वरतों ना कीती जावे, बिल्कुल उसे तरह भगती जां बंदगी निर्माणता तों बिना बिल्कुल फिक्की ते बेस्वादी हो जांदी है अते अपने मनोरथ तक नहीं पहुंच सकती। बंदगी नूं सफलता दे दर्जे तक पहुंचाउण लई जिथे दृढ़ता, अरदास अते सिमरन दी लोड़ है, उथे निर्माणता दी भी बहुत लोड़ है। बंदगी निर्माणता तो शुरू हुंदी है ते निर्माणता ते ही खत्म हुंदी है। पहलों सिख निर्माण हुंदा है, फिर उसकी निर्माणता अरदास जां अरजोई दा रूप धारण करदी है। निर्माण होके कीतियां अरदासां रब्बी दरगाह विच पहुंचदियां ने ते फिर सिख नूं अपने नालों उच्ची आत्मिक अवस्था दे गुरमुख मिलदे ने जो उसनूं सिमरन कमाई करन लई प्रेरणा करदे ने। सिमरन कमाई करदा करदा गुरु का सिख अपने अते वाहिगुरु दे अटल रिश्ते तो जाणू हो जांदा है। इस रब्बी रिश्ते दी समझ आ जाण नाल सिख विच बड़ियां शक्तियां आ जांदियां ने। इत्थे पहुंच के सिख दा डाढा इम्तिहान हुंदा है। शक्तियां दे आउण नाल गुरमुख विच निर्माणता दे कटन जां हंकार दे वधन दा बहुत खतरा हुंदा है। इस अवस्था विच पहुंच के वह गुरसिख सच दी खोज नूं कायम रख सकदा है जिस नूं शुरू तों ही निर्माणता दी गुड़ती मिली होवे ते जिस नूं शुरू तों दस्या ते दृढ़ कीता गया होवे कि आत्मा खोज दे हर हिस्से विच निर्माणता दा पल्ला नहीं छड़ना। शक्तियां दी अवस्था विचों लंघदियां वी जिहड़ा गुरु का सिख निर्माणता नूं नहीं छड़दा उसनूं फिर यह पता लगना शुरू हो जांदा है कि गुरु घर विच क्यों बंदगी जां सिमरन वास्ते निर्माणता उत्ते इन्ना जोर क्यों दिता गया है। जिवें स्कूल दे विद्यार्थियों नूं पहलां सिर्फ इहा ही पता हुंदा है कि दो दूनी चार हुंदे ने, ते नहीं पता हुंदा कि चार क्यों होने चाहीदे ने ते दो दूनी चार तों सिवा क्यों होर कुछ हो ही नहीं सकता। इसे तरह बंदगी अथवा सिमरन दी सिखर दी अवस्था ते पहुंच के गुरसिख नूं पता लग जांदा है कि आत्मिक खोज विच क्यों निर्माणता ते इन्ना जोर दिता गया सी, क्यों उस नाल शुरू विच ही यह शर्त लाई गई सी, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु घर विच सिख दा आदर्श रूप वाहिगुरु रूप होके जां वाहिगुरु वर्गा बन के वाहिगुरु विच समा जाणा है। गुरु घर विच सिख दा आदर्श वाहिगुरु दा रूप होके जां वाहिगुरु वर्गा बन के वाहिगुरु विच समा जाणा हुंदा है। सिख जदों बंदगी करदा वाहिगुरु दे इन्ने नेड़े पहुंच जाए कि वाहिगुरु उसनूं प्रतख दिसे तां उसनूं इह वेख के हैरानी दी हद नहीं रहिंदी कि वाहिगुरु सारी सृष्टि दा करता, सब शक्तियां दा सोमा, पूरन समर्थ अते सर्व शक्तिमान होण दे बावजूद भी अत्यंत निर्माण है। इन्ना निर्माण है कि उस वर्गे निर्माण हस्ती इस जगत विच दिसदी ही नहीं। फिर यह भी भेद खुल जांदा है कि सर्व शक्तिमानता सिवाय निर्माणता दे भांडे तों होर किते समाई नहीं सकती ते वाहिगुरु भी शक्तिमान इसे लई है कि वह बिल्कुल पूर्ण रूप विच निर्माण है। जदों सिख नूं अभ्यास द्वारा वाहिगुरु दे सुभा दा निर्माण होण वाला अंग साफ दिस पवे तां कुदरती तौर ते उह वाहिगुरु दा रूप होण लई अत्यंत निर्माण होना शुरू करदा है। हुण उस नूं भगत कबीर साहब दे इस कथन विच्चों विज्ञानक सच्चाई नजर आउंदी है। हर है खांड रेत में बिखरी,
हस्ती चुनियो न जाए। कह कबीर कुल जात पात तज चीटी होए चुन खाए। ये ख्याल गलत है कि निर्माणता बंदे नू कमजोर जां बुजदल बना देंदी। कमजोर इंसान असल अर्थां विच निर्माण हो ही नहीं सकता। चेते रवे कि निर्माणता अते कमजोरी विच बहुत फर्क हुंदा है। जिथे कमजोरी होवे निर्बलता होवे उथे निर्माण होण दा सवाल ही नहीं हो सकता। माण करन दे सब समान मौजूद हुंदिया माण ना करना यह निर्माणता हुंदी है। ते गुरु घर विच इसे निर्माणता ते ही जोर दिता गया। जिवें भाई गुरदास जी आखदे ने, हों तिस विटों वारिया हुंदा ताण जो होए निताणा, हों तिस विटों वारिया हुंदा माण जो होए निमाणा, हों तिस विटों वारिया छड सियाणप होए इआणा। फिर ऐसा व्यक्ति ही दीन दुनी दरगाह परवाणा। तां इस तरह कह लईए कि निर्माणता सगों कमजोरी दे उल्ट एक बड़ी वड्डी शक्ति है, जिस शक्ति अगे दुनिया दियां वड्डियां वड्डियां ताकतां नूं झुकणा पैंदा है। जिहड़ा बंदा ताकत नाल दुनिया नूं जितदा है, वह ताकतवर अखवाउंदा है, पर जिहड़ा निर्माणता नाल अपना आपा जितदा है, वह महापुरश अखवाउंदा है। ताकतवर पुरश वडेरी ताकत तों हार सकदा है, पर निर्माण बंदे नूं दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। हां, निर्माण बंदे की जाहिरा हार ही सगों उसकी जित बन जाती। जिवें गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं चंदू वर्गे बेसमझ लोग हार गया समझते सन, पर गुरु अर्जन देव की ओ वाली हार सगों सदीवी जित हो गई। गुरु जी की शहीदी सिर्फ गुरु जी नूं अमर ही नहीं कर गई, सगों गुरु घर विच बेअंत शहीदियां दा बीज बीज गई। चंदू दा मनोरथ गुरु अर्जन देव दे हिरदे विचों निर्बलता जां कमजोरी लभ के उस दे सहारे अपना स्वार्थ पूरा करना सी। पर जिवें आपां विचार चुके हां, निर्माणता वाली थां ते निर्बलता ते सगों टिक ही नहीं ना सकदी। चंदू नूं अपने मनोरथ विच नाकामयाबी होई ते गुरु अर्जन देव दे जीवन विचों ते गुरु अर्जन देव जी दे जीवन विचों कोई कमजोरी दी बजाए उसनूं सतगुरु दे हिरदे विचों निर्माणता ते इस निर्माणता दे नाल इस दे पिछे लुकी होई वाहिगुरु दी सर्वशक्ति मानता दा सामना करना पिया, जिस दे सामने उबलदा होया पानी, सड़दी होई रेत ते भख रहे लोहे दे तवे भी निर्बल सन। इसे लई गुरु जी आखदे ने, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेन छारी, इस आगे को ना टिके विकारी। त्याग दा संबंध दिल नाल है, शकल भेख जां पहरावे नाल नहीं। एक नंगा जां पिंडे ते स्वाह मल के जंगल विच बैठा साधु भी अंदरों दुनियादार ते मायाधारी हो सकदा है। ते एक राजा दिन रात माया नाल खेड़दा होया भी अंदरों सच्चा त्यागी हो सकदा है। इसदा भाव यह हरगिज नहीं कि सारे फकीर संत जां महात्मा झूठे पखंडी ते मायाप्रस्त हुंदे ने, जां सारे दुनियादार ही त्यागी हुंदे ने। असली त्याग नसीबां वालियां दे हिस्से आउंदा है, भावें उह गृहस्थी होण जां साधु। जे थोड़ा जा सोचिए तां पता लगेगा कि त्याग सही अर्थां विच किसे रजे होए बंदे नूं ही हासिल हो सकदा। दुनिया विच कंगाल तों लैके पातशाह तक भुखे ही नजर आउणगे। भावें भुख दियां अणगिणत किस्मां होण, पर सारी दुनिया भुखी ही दिसेगी।
कोई रोटी मंगदा है, कोई पैसा, कोई औलाद, कोई इज्जत, कोई ताकत मंगदा है, सेहत जां शोहरत मंगदा है, सुख जां आराम, ये सब वख-वख भुखां दे नाम ने। जिसने सारी दुनिया नूं ही भुखिया बना रखे। रजी हुई निगाह वाले संतोखी बंदे किते किते टावें टावें मिलेंगे, क्योंकि प्रतख शकल तो दिल का अंदाजा ठीक नहीं लग सकता। इस वास्ते सच्चे त्यागी दियां निशानियां दसियां मुश्किल ने। मैं कई वख-वख हालतां विच रहिंदे त्यागी भी वेखे ने, अमीर त्यागी भी वेखे ने, पर बहुत थोड़े फकीर त्यागी भी वेखे ने, जिन्हां दे दर्शन करन नाल ही मन शांत हो जांदा सी। कलकत्ते विच एक फकीर सन, उन्होंने बाजार विच बैठे रहना। मैं सहज सुभा उन्होंने एक दिन चार पैसे दिते, ते उन्होंने चार पैसे लैके दो पैसे मेरे सामने ही बाजार विच सुट दिते, ते दो पैसों की सामने तंदूर तो लैके रोटी खा ली। मैं आजमाउण दे वास्ते फिर कुछ दिनों मगरों अठ पैसे इसे फकीर नूं दिते, ते उसने बिना मेरे वल वेखण दे दो पैसे रख के बाकी दे पैसे दूर वगा के मारे। इस वार वो आप एक मैदान विच बैठे हुए सन, ते फिर एक पासे तुर पए। दुकान तो रोटी लैके उथे ही बह के रोट खा ली उन्हें, ते फिर एक पासे मुड़ तुरे। थोड़ी दूर जाके मैं उन्होंने पूछया, तुसी बाकी दे पैसे क्यों सुट दिते, रात दी रोटी वास्ते रख लैंदे, तुसी अखीर रात नूं जां कल नूं रोटी ते खानी है ना। उस वेले उस फकीर ने मेरे वल पहली वार तकिया ते आखन लगा, बेवकूफा, कि रात नूं जां कल नूं रब मर जाएगा। जिस निरपै अते बेपरवाह अंदाज विच उस महात्मा ने मैनू ए गल गुस्से नाल कही, मैं कदे भुल नहीं सकता। उन्हां दे इस बचन विच एक बड़ी डूंगी गल सी, एक आत्मिक राज जिहड़ा उस वेले मेरी समझ विच आ गया। भावें मैं बड़ा सोहना कीमती सूट बूट पा के उन्हां दे सामने खड़ा सां, पर उन्हां दी अखां विचों उन्हां दी निर्लेप आत्मा मेरी कीमती पोशाक दे थले मेरी घटिया ते दुनियादारी वाली आत्मा नूं वेख रही सी, ते किसे बेमुथाज पातशाही वल खिंच रही सी। मेरी हालत एक छिन विच ही बदल गई। मैं अपने आप नूं फकीर ते कंगाल समझ रहा सां, ते उस फकीर नूं पातशाह महसूस कर रहा सां। मैं मुआफी मंग के अपनी पेंट दे बोझां विच हाथ पा के अपनी कार विच आ बैठा, पर मैं ही जानदा कि उस फकीर दे उन्हां गुस्से भरे लफ्ज़ां विच की जादू सी। हां, फिर उस फकीर दे कदे दर्शन नहीं हुए। त्याग दियां भी तीन हालतां ने। पहली हालत, दुनिया नूं एक सैरगाह समझना ते अपने आप नूं इस विच सैर करन वाला मुसाफर समझना चाहिए, जिस विच सैर करन दा मौका भी वाहिगुरु वल्लों मिलिया है, ते उसका सदा धनवादी रहना चाहिए। इस सैरगाह विच चंगियां ते माड़ियां सब झाकियां दे विचों दी लंघ जाना पर दिल किते ना लाउणा, इह गल ही ठीक है। जिस तरह मुसाफर सफर दे समय कई दरियावां, पहाड़ां, रेगिस्ताना, मैदानां जां शहरां विचों लंघदा है, अनेकां किस्मां दे आदमियां नाल मिलदा है, उन्हां विच रहिंदा है, दोस्तियां पाउंदा है, दिल विच हमेशा समझदा है कि वह मुसाफर है, ते सफर खत्म करन मगरों अपने घर जां अपने टिकाणे पहुंचेगा, उसे तरह इंसान नूं संसार दी यात्रा हमेशा एक सफर ही समझना चाहिए। कई समझणगे कि यह ख्याल ते बड़ा निराश कर देने वाला है। नहीं,
ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੱਚਦਿਆਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਾਫਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਮਝੇ ਤੇ ਇਸੇ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਸਦਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਦੇ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਬਿਰਖੇ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਉਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ। ਤਿਆਗ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘਟਾਉਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬਣਾਉਟੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਚਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਹੀ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲਣੇ ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਪੈਦ ਹੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲਣੇ ਵਿਕਾਰ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਸਰੀਰਕ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ।
इस वास्ते अभ्यासी बंदा अभ्यास दे जरिए मन अते इंद्रियां सब नू अपने वश विच कर लैंदा है ते काया नगरी ते राजा बन के फिर राज करदा है। त्याग दी तीसरी हालत, जदों अभ्यासी पुरुष महान आत्मिक उचाइयां दा वसनीक हो जावे तां उसनूं इस दुनिया जां दुनिया दे रसां जां दुनिया दी खिच नाल कोई संबंध नहीं रहिंदा। ओ ए जानदा है कि इन्हां इंद्रियां दी दुनिया भाव दुनियावी रसां दी दुनिया उस दे सफर दी एक दुखदाई मंजिल सी जो लंघ चुकी है। उसका दुनियावी सुभाग खत्म हो जांदा है, इथों तक कि वह अपने शरीर नूं भी एक बेड़ी दी तरह जिस दी दरिया पार हो चुकन मगरों लोड़ नहीं रहिंदी बेकार ही समझदा है। हुण उसे शरीर नूं जिस नाल इन्ना प्यार ते किसे वेले जिस दी बड़ी रखवाली करदा रहा है, अभ्यासी मनुख एक वाधू दा बोझ, मल मूत्र दा भांडा, एक कैदखाना जां सिर्फ पिंजरा ही समझदा है। उसनूं अपना शरीर अपने ते अकाल पुरख दे विचकार सगों एक रुकावट ही दिसदी है। इस अवस्था विच कर्म खत्म हो जांदे ने। अभ्यासी दी जिंदगी दा आधार पूर्ण ज्ञान भाव सुपर कॉन्शियसनैस हो जांदा है। वह अपनी नवीं दुनिया विच हर वेले खुश रहिंदा है ते पुराने शरीर नूं घोगे दी तरह त्याग देना चाहुंदा है। ख्वाहिशां मर जांदियां ने, कर्म मुक जांदे ने, फुरने खत्म हो जांदे ने ते अभ्यासी आत्मिक आनंदमई चेतन अवस्था विच खिड़िया रहिंदा है ते अखीर सत चित आनंद ब्रह्म विच लीन हो जांदा है। कई महापुरख इस सुभाग अवस्था विच खेड़दे होए भी दुनिया दे भले वास्ते सच दे प्रचार वास्ते शरीरक जिंदगी कायम रखदे ने, पर कईयां दी ते परोपकार दी ख्वाहिश भी मुक जांदी है ते सप दे कुंज त्यागण वांग संसारी शरीर छड़ देंदे ने ते नूरी आत्मिक शरीर विच लीन हो जांदे ने। मैनूं एक महापुरश मिले जो साल दा बहुता समा पहाड़ दी एक एकांत गुफा विच ही रहिंदे सन जिथे आम इंसान वास्ते जाना भी मुश्किल सी। मेरा मित्र उन्हां नूं अपना गुरु समझदा सी ते उह अपने गुरु दा दर्शन करन हर साल एक बार जरूर जांदा सी। एक बार जदों उह उत्थे साल मगरों पहुंचे तां की वेखदे ने कि उन्हां दे गुरु दी समाधि लगी हुई। जदों कुछ देर बाद आवाज मारन मगरों भी समाधि ना खुली तां उसने अपने उस महापुरख दे शरीर नूं हथ नाल टुंबिया, हथ लाउंदिया सार ही उन्हां दा शरीर डिग पिया। आखन लगे, पहलों ते असीं बड़े डर गए पर फिर वैराग दी दशा आ गई। इस दशा विच बड़ी अजीब शांति महसूस हुई ते मन एहो जिहा टिकिया भी समय दा कुछ पता ना लगा, क्योंकि उन्हां दे गुरुदेव ने अपना चोला अपनी खुशी नाल छड्डिया सी। कहन लगे, पता नहीं शरीर कदों तों उथे पिया सी, पर उस विच्चों जरा जिनी भी बदबू नहीं सी आउंदी। कई बंदे खास करके पछमी विद्या नूं पढ़न वाले इन्हां गल्लां नूं असंभव समझदे ने, पर ओह विचारे करन वी की, उन्हां नूं इन्हां गल्लां दा पता भी नहीं हुंदा। पर जिस नूं अभ्यास करन दी जाच आ जाए, नाम जपण दी इच्छा जाग पवे ते बंदगी परपक हो जाए, उस लई अपना शरीर अपनी मर्जी अनुसार छड़ना कोई असंभव गल नहीं जापदी। साडे गुरु साहिबान ने अपने शरीर अपनी मर्जी अनुसार त्यागे सन। यह त्याग की तीजी मंजिल है जिस विचों भागां वालियां रूहां संसारक यात्रा खत्म करके हसदियां खेड़दियां ते खिड़ियां होईयां
सहजे ही लंघ जांदियां ने। त्याग दियां उत्ते दसियां होईयां ए अवस्थावां सिमरन भजन ते बंदगी वाले पुरश उत्ते सहज सुभाई आ जांदियां ने। किसे खास उपा जां हठ दी लोड़ नहीं रहिंदी। मन नाल लड़ाई तां व्यासी पुरश दी हर वेले जारी रहिंदी, पर नाम दी ओट रखण वालियां दी हर अवस्था विच हर हालत विच अकाल पुरख वाहिगुरु वल्लों सहायता अगवाई ते प्रेरणा हुंदी रहिंदी है। अभ्यासी पुरश हर कदम वाहिगुरु दी मेहर दे आसरे अगे वधाउंदा है। उसनूं अभ्यास कमाई विच बड़े बड़े भुलेखे लगदे ने ते कई वार उसनूं इस तरह प्रतीत हुंदा है कि आत्मिक उच्चे मंडलां विच पहुंच जाना एक ममूली जी गल है। सिर्फ सुरती नूं इकट्ठियां करके अफुर अवस्था विच पहुंच जाना एक सुभाविक जिहा काम लगन लग पैंदा है। वो समझन लग पैंदा है कि हुण रब की कृपा की कोई लोड़ नहीं रही। बस जिवें ही ये ख्याल आउंदा है आत्मिक तरक्की रुक जांदी है, सरूर घट जांदा है, अभ्यास रुखा रुखा लगन लग पैंदा है, मन थोड़ा चिर टिकण मगरों उचाट हो जांदा है। मैनू कई बार ये भुलेखा लगता रहा ते मेरा यह तजर्बा है कि भगती भाव निम्रता प्रेम वाहिगुरु नूं मिलण दी तीबर इच्छा दे बगैर बंदगी कदे संपूर्ण नहीं हुंदी। बंदगी करदियां कई बार हंकार जां माण आ जांदा है तां वी तरक्की रुक जांदी है, जिस दा इलाज सगों वाहिगुरु अगे पश्चाताप अते निर्माण अरदासां ही हो सकदियां ने। करामात। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वचन है, नहीं होत कछ दोऊ बारा, करना हार ना भूलण हारा। कुदरत दे कानून अटल ने ते वाहिगुरु दे बनाए हुए कानून भी अटल ने। एक बार जड़े बन चुके ने उन्हां विच कदे तब्दीली नहीं आ सकती। जड़े करामात दा मतलब यह समझदे ने कि वाहिगुरु अपने भगतां वास्ते गुरुआं जां पीरां वास्ते वह अपने नियम तोड़ देंदा है, वह फिर वाहिगुरु के सुभा तो वाकफ नहीं है। पानी हमेशा नीवे पासे वगदा है, यह कुदरत का एक असूल है ते इस असूल विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। पानी अपने कुदरती सुभा के उल्ट उचाण वल कदे नहीं वगेगा, पर इसके बावजूद असी रोज वेखने कि पानी कई कई छत्तां ते नालियां दे जरिए रोज उत्ते चढ़ जांदा है। अणजाण बंदा इत्थे भुलेखा खा जाएगा ते इस घटना नूं कौतक जां करामात आखेगा, पर जिस बंदे नूं पानी संबंधी दूजे कानून दा पता होवे कि पानी नूं जिस उचाई तों नीवें सुटीए उतनी उचाई तक मुड़ लैके जाण दी समर्था भी रखदा है, जां जिन्नी ताकत नाल पानी नूं पिछों तकीए उन्ना उच्चा चढ़ जाएगा, उस वास्ते पानी नूं उच्चियां थावां ते वगदे होए वेखना कोई अचंभे वाली गल नहीं हुंदी। साइंस दियां सारियां करामातां टैलीग्राफी ग्रामोफोन सिनेमा रेडियो जां टैलीफोन टैलीविजन ये सब गल्लां आम मनुख वास्ते हैरानी पैदा कर सकदियां ने, पर साइंसदाना वास्ते सब कुछ कुदरत दे नियमां अनुसार हुंदा है। कोई हैरानी वाली गल नहीं लगती। इहा फर्क अज्ञानी ते ज्ञानवान मनुख विच हुंदा है। आम लोग आत्मा दे उच्चे असूलां नूं ना समझदे होए इन्हां नूं करामात कहिंदे ने, पर ज्ञानवान बंदे वास्ते इह ते सधारण घटनावां हुंदियां ने। एक थां ते मिस्टर एडवर्ड कारपेंटर करामात संबंधी खूब लिखते हैं कि करामात कोई अनहोनी गल नहीं हुंदी, यह शक्तियां ते लगातार अभ्यास जां साधना दे फल दियां हुंदियां ने ते इन्हां दा अपना खास नियम कानून हुंदा है। इस संबंध विच
श्रीमती मेरी बेकर एडी लिखते ने, करामात वो है जिहड़ी आत्मिक दृष्टिकोण तो साधारण जां कुदरती होवे पर मनुखी अकल राही साइंस की एक घटना ही समझी जाए। हां यह दुनिया सचमुच अणगिणत इहो जिहियां करामातां दा नतीजा है, बल्कि इस तरह समझो कि हर करामात एक दूसरे सिस्टम नूं दूसरी लड़ी नूं जन्म दिंदी है, जिस दे नतीजे वजों होर होर काम अगे होंद विच आउंदे जांदे ने। असीं उस नूं करामात समझने हां पर वाहिगुरु दे हुकम विच ए एक आम जिही घटना हुंदी है। जिवें बाबा अटल राय जी ने अपने मित्र नूं जो कि सप लड़न दे कारण दुनिया दे ख्याल विचों मर चुका सी उस नूं आवाज मार के सुरजीत कर दिता। आम दुनिया ने इस नूं करामात समझिया पर बाबा अटल साहिब वास्ते उन्हां वर्गी आत्मिक अवस्था दे महापुरशां वास्ते यह कोई अचंभे वाली गल नहीं सी। ऐसे गुरमुखां नूं आम तौर ते ही पता हुंदा कि आत्मा कदे नहीं मरदी, जिंदगी कदे खत्म नहीं हुंदी। आदमी सुपने विच जमदा, अपनी जिंदगी बतीत करदा ते मर जांदा। बाबे अटल ने एक भुलेखा दूर कर दिता, नाले लोकां नूं साबित करके विखा दिता कि दुनिया दे किसे आदमी नूं मुर्दा समझ लैण नाल उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिस नूं जिंदगी दी असलीयत दा ज्ञान हो जावे उस दे एक इशारे नाल आत्मा मुर्दा शरीर विच फिर दाखल होकर नवे सिरों जिंदगी बतीत कर सकती है। बाबा अटल जी नूं उन्हां दे पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस वास्ते नाराज नहीं सन होए कि बाबे अटल ने किते वाहिगुरु दे राज विच कोई अपने वालों नवा कानून घड़ दिता, बल्कि इस वास्ते होए सन कि जिन्ने नवाब जां अमीर अगे नूं मरणगे उन्हां दे जीवन दी मंग ते इह सिफारशां सगों गुरु घर नूं तंग करनगियां। दूजा कारण इह सी कि श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी ते पिता गुरु दे मौजूद हुंदियां इस किस्म दियां आत्मिक शक्तियां विखाणा पुत्र वास्ते अयोग गल है। गुरु पिता ने कहा एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां, आग्याकारी पुत्र ने जिस तरह ज्यौंदे जी आत्मिक असूलां दी हस्ती नूं साबित कीता सी कि आत्मा कदे मर नहीं सकदी, उस तरह दूजे आत्मिक असूल नूं साबित कीता कि आत्मा जदों चाहे अपने शरीर नूं अपनी खुशी नाल वख कर सकदी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी अते होर सारे गुरु साहिबान कई वार अपनी जिंदगी विच उच्चे आत्मिक असूलां नूं वरत के उन्हां दी हस्ती दा सबूत देंदे रहे ने। असीं इतिहास विच कई पूर्ण सिखां दा उच्चे आत्मिक असूलां नूं लोड़ अनुसार वरतण दा जिक्र आम पढ़ लैने। हां करामात वाहिगुरु दे किसे असूल नूं भंग नहीं करदी, सगों वाहिगुरु दे बनाए होर उच्चे आत्मिक असूलां दी होंद दी दलील हुंदियां ने। नाम जपण वाले बंदे नूं उच्चे आत्मिक असूलां दा ज्ञान सुभावक ही हुंदा रहिंदा है, ते जिवें जिवें इन्हां दे भुलेखे दी अख खुलदी है उवें उवें इह अपने अंदर आत्मिक शक्तियां महसूस करदे जांदे ने, ते इक इहो जिही अवस्था विच पहुंच जांदे ने जिथे सब रिधियां सिधियां अपना हथ बन के भगत दे सामने गुलाम बनियां खड़ियां रहिंदियां ने। जिवें श्री गुरु अमरदास जी फरमाउंदे ने, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरणी लागै तां महल पावै, जां सोरठ राग विच आखदे ने नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरै जो हर हिरदै सदा वसाए। सिमरन अभ्यासी नूं बड़ियां बड़ियां करामातां करन दी समर्था हासिल हो जांदी है, पर आम तौर ते गुरु घर विच इन्हां ताकतां वल बहुता ध्यान देना जां इन्हां नाल मोह पाउण तों रोकिया गया है।
क्योंकि गुरु जी आखदे ने रिद्ध सिद्ध सब मोह है, नाम ना वसै मन आए। जे अभ्यासी बंदा करामातां देखण दिखाण विच लग जावे तां उसकी आत्मिक तरक्की रुक जाती है, ते बहुती वार सगों हंकार जां हौमै दा रोग वध जांदा है, जिस नूं मारना ही बंदगी दा निशाना है। इस वास्ते इस अवस्था नूं संभाल के रखना ते वरतना चाहीदा है। हां, रब्बी बरकतां विच आउण वालियां घटनावां दा पहलों पता लग जाना, दूजे दे दिल दी गल बुझ लैणी, जिस नूं प्यार करना वो अपने आप ही मोहित हो जाए, जिस ते नाराज होना उसने रोगी हो जाना, जां उंज ही किसे दे बारे विच जिहड़ी वी दिली इच्छा पूरी करनी वो पूरी हो जानी, जिस नूं याद करना उसका आ जाना, ते जिस वल नजर करके तकना उसने सगों अखां नीवियां कर लैणियां, ते जिस बीमार नूं चाहुणा कि राजी हो जाए वह ठीक हो जाना। इहो जिहियां अनेकां छोटियां छोटियां ताकतां मामूली अवस्था के अभ्यासियों विच वी प्रगट हो जांदियां ने। हां, इस किस्म के गुरमुखां अगे बेनती है कि जिथों तक हो सके आत्मिक ताकतां नूं अपने निजी फायदे वास्ते जां किसी के नुकसान वास्ते नहीं वरतीदा, नहीं तो मन इन्हां ताकतां दे विच ही अटक जाएगा ते आत्मिक तरक्की बंद हो जाएगी, जिस करके ताकतां भी जांदियां रहणगियां ते कीती कमाई भी व्यर्थ हो जाएगी। हां, परोपकार वास्ते कदी कदी महापुरश अपनियां आत्मिक ताकतां की वरतों भी कर लैंदे ने, पर दिखावे वास्ते जां खुदगर्जी वास्ते करामात विखाउणी एक हानिकारक अवस्था है, जिस तों बचना चाहिए। जदों तक अभ्यासी नूं वाहिगुरु दे निर्गुण स्वरूप दा काफी ज्ञान ना हो जावे उदों तक उसनूं रिद्धियां सिद्धियां ते करामातां तों जरूर बचना चाहिए। ये अभ्यास दे वधन नाल वधदियां जांदियां ने ते अभ्यासी नूं खिच पा के परम आनंद दी आखरी पदवी विच लीन होण तों रोक देंदियां ने। सच दी प्राप्ति एक उच्चे पहाड़ दी चोटी ते पहुंचना है। अभ्यासी जिवें जिवें चढ़दा है उवें उवें उसकी थकान वध जांदी है, ते ठंडी हवा दे बुल्ले, संघने दरख्तां दे झुंड, पानी दे चश्मे उसनूं अपने वल खिचदे ते प्रेरदे ने। रिद्धियां सिद्धियां भी थके हुए अभ्यासी नूं जलवे विखा के अपने वल बुलाउंदियां ते प्रेरदियां ने। जिहड़ा अभ्यासी इन्हां दे जाल विच फस जाए वह पहाड़ की उच्ची ते आखरी चोटी ते पहुंचनों रह जांदा है। इस अवस्था विच मुमकिन है कि उसका दिल इतना खुबे कि उतली चोटी जां वाहिगुरु की लीनता का ख्याल ही भुल जाए, ते बजाए उसके वाहिगुरु विच लीन होण दे वो सगों माया दियां इन्हां नीवियां अवस्थावां विच ही फस जाए। इस वास्ते किसी भी अभ्यासी नूं बड़ा खबरदार ते होशियार रहना चाहिए। हां, इसलिए सुनहरी असूल यह है कि अपने स्वार्थ विखावे जां किसे नूं नुकसान पहुंचाउण वास्ते रिद्धियां सिद्धियां करामातां दी वरतों बिल्कुल ना होवे। हां, इस अवस्था तों लंघिया होया सुभागी गुरमुख माया नूं उक्का ही त्याग के ब्रह्म विच सदा लई लीन हो जांदा है। समाधि। वैसे तां असीं पहलों यह बेनती कर देने हां कि समाधि की पूरी समझ उच्ची अवस्था के अभ्यासियों नूं ही आ सकती है, पर इसके बावजूद अभ्यासी सज्जनां नूं निराश नहीं होना चाहिदा, क्योंकि देर जां सवेर जे वह लगे रहणगे तां उन्हां नूं भी यह अवस्था जरूर हासिल होगी। सिमरन की आखिरी अवस्था जिस विच फुरना नहीं रहिंदा अते ज्ञान की अखीरी अवस्था जिथे खोज ते विचार खत्म हो जाते हैं, जदों आपस विच मिलन ते एक अवस्था बन जाण तां इस तों समाधि का दर्जा पैदा हुंदा। महाराज गुरु नानक देव जी फरमान करदे ने, मन मैं मनुआ चित मैं चीता,
ऐसे हर के लोक अतीता। मन नूं किसे होर अगली खोज की ख्वाहिश नहीं रहिंदी, अपने आप विच ही मगन ते संपूर्ण हो जाती है। जां इस तरह आखो कि मन ही नहीं रहिंदा, मन मर जाता है। ते मन दे मरण नाल फुरने ते विचारां भी मर जांदियां ने। सतगुरु जी आखदे ने, सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। इस अवस्था विच आवाजां पए मारो, जे अभ्यासी ना चाहे तां उसनू बिल्कुल भी नहीं सुनदा, क्योंकि उसकी सुरती कन्ना नालों वक हो जाती है। इस अवस्था के परम आनंद का जदों स्वाद आ जाए तो फिर मुड़ होश जां विचार दे मंडल विच आउण नूं चित नहीं करदा। इत्थे अभ्यासी चाहुंदा है छिन भर दी बेखुदी तों सदके हजार होशां, बिगड़ी बनाउण वाले हस्ती मेरी मिटा दे। इस अवस्था दे अभ्यासी नूं दुनिया दी सारी खेड बच्चियां दी खेड लगदी है, जिस नूं फिर खेडण दा दिल नहीं चाहुंदा। जिवें व्याही कुड़ी अपनियां कुवारियां सहेलियां दियां गुड़ियां जां पटोलियां दियां खेडां उत्ते हसदी है, उसे तरह इस अवस्था दा अभ्यासी दुनिया दे राजियां अमीरां फिलासफरां कवियां मुसवरां ते उन्हां दे फिक्के शुगलां ते हसदा है ते अपने लई बेलोड़े समझदा है। इत्थे भुख नींद प्यास आदक सब जरूरी लोड़ां भी नहीं रहिंदियां। श्री गुरु अमरदास जी फरमान करदे ने, तिथै ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुखवास। बस अभ्यास विच बैठे रहने नूं जी करदा रहिंदा है। इस अवस्था विच अभ्यासी दे शरीर नूं दुख सुख पाला जां गर्मी कुछ भी नहीं पाउंदा। उस नूं हवा ते श्वासां दी लोड़ भी नहीं रहिंदी, क्योंकि उसका शरीर नालों संबंध उका ही टुट चुका हुंदा है। इस अवस्था दे पूर्ण अभ्यासी अपनी खुशी नाल अपनी आत्मा नूं अपने शरीर नालों अलग कर सकते हैं। जिथे शरीर किसी बाहरी कपड़े की तरह वख पिया रहिंदा है, ते आप वो किन्ना किन्ना चिर शरीर तो बाहर सूखम मंडल की सैर कर सकते हैं, जिथे शरीर की पहुंच नहीं हुंदी। ये गल अकल दे दायरे तो बाहर है। केवल इस अवस्था विच पहुंच के ही इस सच्चाई का पता लगता है, ते फिर ही बंदा इस सच्चाई नूं प्रवान कर सकता है। इस अवस्था विच आत्मा का शरीर उत्ते पूर्ण हुक्म अते कब्जा हुंदा है। शरीर आत्मा का हुक्मी बंदा बन जाता है। जेड़े महापुरश इस अवस्था के मालक ने, वह जानते हैं कि जे आत्मा चाहे तो शरीर बिल्कुल हल्का हो सकता है। इसका वजन अपने आप विच ही इस तरह एडजस्ट हो जाता है कि जमीन उत्ते भार भी नहीं रहिंदा। जे आत्मा चाहे तो शरीर पवन रूप हो जाता है ताकि आम लोगों नजर ना आवे। पर यह गल फिर दिमागी चार दीवारी विच फसे इंसान नहीं समझ सकते। पर यह गल भी याद रखनी चाहिए है कि साइंस ने भी ते फिलासफर ने भी यह गल आम प्रसिद्ध कर दिती है कि साडे ख्यालां दा असर साडे शरीर की बनावट उत्ते पूर्ण प्रभाव पा देंदा है। यह शरीर है ही साडे ख्यालां जां साडे संकल्पां दा नतीजा। जदों ज्ञान हो जाए तां भरोसा यकीन ते इस विश्वास तो पैदा होईयां सब शक्तियां अपने आप आके अभ्यासी विच निवास करदियां ने। अभ्यासी दी इच्छा मुताबक यह शरीर रंग बदल लैंदा है, ते जे अभ्यासी चाहे
ਤਾਂ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਨਿੱਜ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਨ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂਗੇ। ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕੈਜੂਐਲਿਟੀ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਭੇਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਲੇ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮੇਤ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਾਸੀਬਿਲਟੀਜ਼, ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭਏ ਚੀਤਾ ਰਹਾਓ, ਐਸੀ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ, ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਣੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਿਖੀਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡਕਉ ਤੇ ਗਣੀ ਤਨੀਤਾ, ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੜਾ ਭੇਦ ਭਰਿਆ,
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਨਿਆਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਜਨ ਅਥਵਾ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਸਤਕ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਆਸਤਕ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕਵੀ, ਚੰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਥੋੜਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਗਤ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਉਹਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦੀ, ਚੁੰਮਦੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਬਸ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਬਾਡੀ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
अभ्यासी बंदे नूं उतलियां मंजलां विच इस जोत दे झलके पैणे शुरू हो जांदे ने। बैठियां बैठियां अपने आप विच बिजली दी लिशक वर्गा लशकारा मारदी दिसदी है, पर इस लिशक विच गर्मी दी बजाए कमाल दी शीतलता हुंदी है। अभ्यास दे पहले आ रहे आनंद विचों एक नवे इलाही आनंद दा स्वाद प्रतीत हो जांदा है। इस लिशकारे मगरों फिर पहली हालत व्यापक हो जांदी है। फिर बैठियां बैठियां लिशकारा आउंदा है ते आनंद विचों महा आनंद दा स्वाद चखीदा है। अभ्यासी मस्त हो जांदा है, विस्माद विच हो जांदा है। बाहर दी दुनिया वल्लों बेकार आदमी जपदा है, पर अंतर आत्मा विच सुखां दे खजाने खुल जांदे ने। इस अवस्था विच जेकर माता पिता जां इस्त्री जां कोई होर रिश्तेदार आके सदा चुप रहण दा, एकांत विच वेले बैठे रहण दा, जां कम कार विच दिल ना लगण दा कारण पुछे तां बड़ा स्वाद आउंदा है। असल विच अभ्यासी अपनी अंदरली दौलत नूं लुकाउंदा है ते टाल मटोल करके सजना मित्रां नूं तसल्ली दिवाउंदा है ते रिश्तेदारां दे गुस्से गिले दूर कर देंदा है। अभ्यास दे वधन नाल इह नूरी लिशकारे छेती ही आउण लग पैंदे ने ते अखीर विच निरंजनी जोत दे साख्यात दर्शन हो जांदे ने। हां, इस जोत वल इक छिण तों वध तकिया नहीं जांदा, क्योंकि इस दा सूरज नालों भी वधेरे तेज हुंदा है, पर गर्मी तों रहत शीतलता अते आनंद दा सोमा जापदा है। ये जोत जिंदगी दा सार जां निरोल जीवन रूप पासदी, जिस विचों प्रेम, किरपालता, निरपैता, निरवैरता अते सर्वशक्तिमानता फुट फुट के निकलदे ने। इना सब खूबियां दा सार जां वजूद जापदी है। इस जोत दे ऐन अंदर कुछ हरकत जां हिलना प्रतीत हुंदा है, जिवें नूर दा सोमा फुट रहा हुंदा है। कदे कदे इस दे सेंटर विच इंसानी अख वांग एक नेत्र दिखाई देंदा है, जिस नेत्र विचों ए जागदी जोत कुछ अजीब मेर परी नजर नाल तकदी ते मुस्कुराउंदी। सब खंडां ब्रह्मंडां कुल सृष्टि दा सोमा एहा जोत जागदी जोत है। इसे तों उत्पन्न होके इसे वल जान बुझ के जां अणजाण पुणे विच सब इसे वल जा रहे ने। आत्मिक सफर दी एहा मंजिल है, एहा निशान है। इस जोत विच जाप साहिब विच लिखे अकाल पुरख दे सारे गुण प्रतीत हुंदे ने। इह जागदी जोत जहरा जहूर हाजरा हजूर प्रतख अते साफ दिसदी। नानक का पातशाह दिसै जहरा, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बचन ने। अभ्यासी बंदा अपने आप नूं इस जागदी जोत दा एक हिस्सा समझदा है ते एक किरण दी तरह इस जोत नाल, इस सच दे सूरज नाल अपने आप नूं जुड़िया होया वेखदा है। फिर समझ आउंदी है कि गुरु अमरदास जी महाराज ने मन तूं जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण क्यों आख्या सी। फिर असल विच अपने गुरु की कदर ते वड्याई भी सही अर्थां विच इत्थे ही समझ विच आउंदी। निर्माणता भरी खुशी दे अथरू वगदे ने ते अभ्यासी दे लूण विचों आवाज निकलदी है, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। एक वार दी गल है, बड़ा भारी दीवान लगा होया सी। एक पासे बीबियां ते दूजे पासे सिंह बैठे हुए सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का उच्ची थां ते प्रकाश होया होया सी ते ऐसे सतगुरु दी ताबिया बाबा अतर सिंह जी महाराज छोटी सफेद दस्तार बन के काली कंबली ओढ़ के अद
मीटियां अखां नाल विराजमान सन। उन्हां दे चेहरे ते बड़ा जलाल ठाठा मार रहा सी। शायद ये किसी विद्यक कानफ्रेंस के समय धार्मिक दीवान का समा सी। मैनू चंगी तरह याद नहीं रहा क्योंकि मैं बहुत छोटा हुंदा सा। रागियां दा कीर्तन समाप्त होने मगरों बाबा जी नूं संगत वालों बेनती हुई कि बाबा जी शब्द पढ़न। आपने उदों मस्तानी दिल खिचवी आवाज विच पढ़िया, जागदी जोत नूं जपो खालसा जी। इस तुक दा पहला हिस्सा जागदी जोत नूं बीबियां पढ़दियां सन ते दूजा हिस्सा जपो खालसा जी सिंह पढ़दे सन। दरअसल बाबा जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे इस सवैये नूं पढ़ रहे सन, जागत जोत जपै निस बासुर एक बिना मन नैक ना आनै, पूरन प्रेम प्रतीत सदै ब्रत गोर मड़ी मट भूल ना मानै, तीर्थ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछानै, पूरन जोत जगै घट मै तब खालस ताहे न खालस जानै। जिमें जिमें संगतां इस तुक नूं पढ़दियां सन त्यों त्यों ए जागदी जोत जिमें मेरियां अखां सामने नच रही सी। उदों मैनूं कुछ बहुती समझ नहीं सी, पर इस कौथक नूं मैं बड़ी हैरानी नाल वेखदा ते खुशी विच बेसुध हुंदा जांदा सां। एक कोने विच बैठा मैं बाबा अतर सिंह जी वल टिकटिकी ला के वेख रहा सां ते मेरे लूण लूण नूं ए वाली पंगति नूरो नूर कर रही सी। अभ्यासी नूं जदों अपना ते इस निरंजनी जोत दा संबंध मलूम हो जाए तां उसनूं अजीब तसल्ली ते धीरज आ जांदा है। उसनूं जिंदगी दा सोमा ते सोमे नाल अपना अटुट संबंध लभ पैंदा है। उसनूं यकीन आ जांदा है कि उसे निरंजनी जोत नाल को एग्जिस्ट करदा है, भाव इसे करके ही जीवन जिउंदा है। उस जीवन रूप निरंजनी जोत दे सामने खलो के विगसदा है ते फिर माण नाल कहिंदा है, ना ओह मरता ना हम डरिया, ना ओह बिनसै ना हम कड़िया। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बचन आसा राग विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पन्ना 391 ते दर्ज ने। फिर अभ्यासी नूं पता लग जांदा है कि शरीर छड्डण मगरों उसने इसे निरंजनी जोत विच एक किरण की तरह समा जाणा, ते ओह कदी कदी अपने आप नूं इस निरंजनी जोत विच अलोप करके इस जीवन विच मरण तों बाद दी हालत दा तजर्बा करदा है। मौत उसनूं हुण हनेरा घुप नहीं लगदी, सगों हमेशा जिंदगी दा वसीला जापदी है। भगत कबीर साहब सच आखदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाईऐ पूरन परमानंद। उसनूं मौत दा दिन बड़ा शुभ दिहाड़ा ते शगना वाला ते करमा वाला मुबारक दिन लगदा है। जिवें गुरु नानक देव जी आखदे ने, संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। आम तौर ते ज्योति जोत मिल जाण दा मतलब शरीर छड़ जाना जां मर जाना समझा जांदा, पर अभ्यासी इस शरीर विच रहिंदिया ही ज्योति विच जोत मिलण दा आनंद हासिल करदा है। आप जीवन मुक्त होके परोपकार विच बाकी दा शरीरक जीवन बिताउंदा है ते अंदरली जग दी जोत नाल अनेकां बुझियां होईयां जोतां नूं जगाउंदा है ते फिर टिमटिमाउंदियां जोतां नूं प्रकाशवान बना दिंदा है। समा आउण ते खुद इसे जोत विच असल अर्थां विच लीन हो जांदा है। जिवें महाराज गुरु अर्जन देव जी फुरमान करदे ने, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम,
नानक प्रभ कै सद कुरबान। द एलीमेंट्स ऑफ मैटाफिजिक्स विच पाल डसन इस तरह वर्णन करता है, संसार विच ना ते सूरज, ना तारे, ना बिजली, ना धरती की अग अपने आप चमकती है। यह सारा कुछ उस रोशन प्रकाश परम आत्मा दे प्रताप नाल चमक रही ने। उस रोशनी तो लैके सारा संसार रोशन है। यह जोत भी वाहिगुरु जी का एक सरगुण स्वरूप ही है, जिस तो सारा ब्रह्मांड उत्पन्न होंदा है। मैं इसे जोत नूं ईश्वर समझदा। इस तो परे वाहिगुरु अपने निर्गुण रूप रेख रंग तो रहत रूप विच बिराजदा है। जिस ज्ञान अते जिस नाल परचा भी अभ्यासी दी आखरी मंजिल है। अभ्यासी इस निर्गुण स्वरूप नूं अनुभव करदा है ते इस विच लीन हुंदा हुंदा एक दिन इस सत चित आनंद स्वरूप दा वासी हो जांदा है। इत्थे ये जिक्र कर देना वादू नहीं होवेगा कि मुक्ति दे संबंध विच महात्मा विच दो ख्याल प्रसिद्ध ने। कई आखदे ने मुक्ति तां चेतनता तो रहत अवस्था है, जिन्हों असी अंग्रेजी विच स्टेट ऑफ नो कॉन्शियसनेस कहने। जां फिर कई आखदे ने मुक्ति तां एक हद दर्जे की चेतनता है, भाव वास्टली एनहांस्ड कॉन्शियसनेस ए वाली अवस्था है। हां, पूर्ण अभ्यासी इन्हां दोहां अवस्थावां नूं चंगी तरह समझदा है ते दोहां दी सच्चाई तों जाणू हुंदा है। जिवें गुरु जी ने आख्या, सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आपे ही फिर जाप।